अब हम करेंगे टॉपिक गैलेक्सीज, कहकशाएं, सितारों के, बहुत सारे सितारों के झुरमुट्स को, इसको हम स्टडी करेंगे। हमारी गैलेक्सी कौन सी है, हमारी हमसाई गैलेक्सी कौन सी है। ये हमारी यूनिवर्स का एक फंडामेंटल यूनिट है। इसमें 100,000 स्टार्स होते हैं जो इकट्ठे जमा हुए होते हैं। और गैलेक्सीज की डिफरेंट टाइप्स हैं, इनकी शेप के लिहाज से। ये स्पाइरल बल खाती हुई, यानी जिस तरह स्प्रिंग से होते हैं, इस शेप में होती हैं। स्फेरिकल भी होती हैं, एलिप्टिकल भी होती हैं और इररेगुलर भी होती हैं। हमारी गैलेक्सी जो है, इसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी, और ये शेप में स्पाइरल है, बल खाती हुई है। इसके जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं, ये मैं रीडिंग में आपको साथ ही बताऊंगी, लेकिन कुछ एक कंसेप्ट सा है। ग्रीक जो अपने आप को बहुत काबिल लोग समझते हैं, ग्रीक लेजेंड हैं, उनका ये कहना है कि ये एक गॉडेस जोनो, यानी देवती है कोई, उसकी ब्रेस्ट में से मिल्क निकला है, तो इसलिए ये मिल्की वे, यानी वाइट है ना, तो मिल्की वे उसके मिल्क से ये गैलेक्सी बनी है, और उसके जो उस बैंड बना हुआ और उसमें मोती हैं, तो ये मिल्क स्पिल्ट हुआ है उससे, तो वहाँ से ये हमारे गैलेक्सी बनी है। और जो हमारी नेबर गैलेक्सी है, यानी मिल्की वे के साथ जो गैलेक्सी है, उसको कहते हैं एंड्रोमेडा गैलेक्सी। क्या? एंड्रोमेडा गैलेक्सी। और इस तरह से गैलेक्सीज का जो कलेक्शन है, यानी जब काफ़ी सारी गैलेक्सीज इकट्ठी हो जाती हैं, उसको क्लस्टर कहते हैं। और इनकी जो बिखरी हुई होती हैं, डिफरेंट आर्म्स होते हैं, उसको गैलेक्टिक आर्म्स कहते हैं। गैलेक्सी इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ द यूनिवर्स। इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल हंड्रेड थाउजेंड्स ऑफ स्टार्स टूगेदर विद इंटरस्टेलर गैस एंड डस्ट। यानी इसमें बहुत ज़्यादा सैकड़ों हजारों सितारे इकट्ठे होते हैं, और सितारों वाली गैस और साथ उसमें डस्ट होती है। थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, हजारों लाखों गैलेक्सीज स्ट्रेच आउट टू द लिमिट्स ऑफ द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। यानी हमारी यूनिवर्स में बहुत सारी कहकशाएं हैं। गैलेक्सीज फॉल इंटू फोर कैटेगरीज इन शेप: स्पाइरल, बल खाती हुई, स्फेरिकल गोल, एलिप्टिकल बैजवी अंडे की शक्ल में, इररेगुलर बेकायदा, यानी बाज़ ऐसी भी हैं उनकी कोई शेप नहीं होती, किसी भी शेप में हो सकती हैं। आवर गैलेक्सी द मिल्की वे, आवर गैलेक्सी इज स्पाइरल, कंटेन्स 10^11 स्टार्स। इसका मतलब है एक के साथ आप 11 जीरो लगा दें तो उसको काउंट करें, इतने स्टार्स हैं इसमें। विद द डायामीटर, और इसका कतर 10^5 लाइट ईयर्स है, और लाइट ईयर ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, बहुत बड़ी यूनिट है डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। खला में जहाँ बहुत ज़्यादा फासला होता है, वहाँ हम लाइट ईयर डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, इसका लाइट तो रोशनी को कहते हैं, ईयर साल को कहते हैं, तो यानी रोशन साल डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, यानी पूरा एक साल इतना लंबा डिस्टेंस, और टेंस पर फाइव द एक के साथ 5 ज़ीरो लगा दें तो इतने लाइट ईयर इसका कुतर है, डायामीटर है। एंड इट इज़ कॉल्ड द मिल्की वे, और इसका नाम मिल्की वे है। अकॉर्डिंग टू ग्रीक लेजेंड, द पर्ली बैंड ऑफ द मिल्की वे स्ट्रेचिंग अक्रॉस द स्काई इज मिल्क स्प्लिट फ्रॉम द ब्रेस्ट ऑफ द गॉडेस जूनो। ये उनका कंसेप्ट है कि उसके इसका वाइट कलर कोई देवी है उनकी जोनो, उसके मिल्क की वजह से है, उसका मिल्क निकला और उससे ये इसका वाइट कलर बन गया है। द नियरेस्ट स्पाइरल गैलेक्सी टू द मिल्की वे इज एंड्रोमेडा गैलेक्सी। इट इज 22 लाख लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अस। इतना इसका हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से डिस्टेंस है। अब लाइट ईयर जो है, जिस तरह से आप मीटर किलोमीटर सुनते हैं ना, ये डिस्टेंस को मेजर करने की यूनिटें हैं, लेकिन खला में चूंकि बहुत ज़्यादा डिस्टेंसेस हैं, तो जो खला में यूनिट यूज़ हो रही है वो लाइट ईयर है। दिस इज़ आवर गैलेक्टिक नेबर अलोंग विद लार्ज मैग्नेटिक क्लाउड।
ये जैसे इस तरह है जैसे बादल बादल से होते हैं, यानी इसकी शेप जो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है इसकी शेप है मैगलन की क्लाउड, क्या है मैगलन क्लाउड और बादलों की तरह जैसे हो, विच इज 17,000 लाइट ईयर्स अवे, और इसका डिस्टेंस हमसे इतने ईयर्स आगे तक है। गैलेक्टिक आर्म्स, द आर्म्स ऑफ द स्पाइरल गैलेक्सी आर कॉल्ड गैलेक्टिक आर्म्स, क्लस्टर अ कलेक्शन ऑफ द गैलेक्सीज इज कॉल्ड क्लस्टर, यानी काफ़ी सारी गैलेक्सीज या कहकशाएं इकट्ठी हो जाती हैं तो उसको क्लस्टर कहते हैं।